नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टीएससी की। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक के हों एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे डीआरडीए के हों, चाहे वो रेलवे के हों, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में जो है संविधान की प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा पार्ट टू है, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आत्मा की आख्या प्रदान की गई। तो आपके ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व और डी संविधान की सभा सभी अनुच्छेद। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। हम आपको इसमें 10 सेकंड देंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि आपके द्वारा आंसर कौन सा सही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है वह है ए। ठीक है, संविधान सभा की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो वो है प्रस्तावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, उन्होंने किस बात पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर और डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर है सी मौलिक अधिकार पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता किसकी, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों से, किस शब्दों से होती है। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता और डी हम भारत के लोग हैं। तो इसको आप राइट आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते रहे हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है, क्या होती है इन शब्दों में आपको बताना है। तो इसको देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है हम भारत के लोग हैं। ठीक है, इसके संविधान की प्रस्तावना में यही शब्द आता है कि हम भारत के लोग हैं। ये दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सब क्वेश्चन को आप माइंड में रख करके चलिए ताकि आपके एग्जाम्स में अगर कहीं से भी एक भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएँ तो आप उसका आंसर दे सकें और अपना एक नंबर फिक्स कर सकें। ठीक है, इससे दो चार क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है बट मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी यह राज्यों का एक संघ है। सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है और डी यहाँ पे है यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों डी, वहाँ यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी एक लिमिट समय के लिए यहाँ पे कोई भी जो चुनाव होता है वो लिमिट समय के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे भारत है ए, भारत ए क्या है, ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी यहाँ का ऑप्शन देखिए हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये, भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, बी सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना और डी राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, धर्मनिरपेक्ष का यही अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य
ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यकों समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए आप सभी लोगों को पता है देखो कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है कि किसी भी धर्म किसी भी राज्य में अगर धर्मनिरपेक्ष होता है तो उसके कौन से रूल फॉलो होते हैं। तो आप इसका जो राइट आंसर बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्योंकि भारत में देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, बट यहाँ पे किसी भी धर्म का एक समर्थन नहीं होता है, उन सभी धर्मों को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र होता है, देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसद पद्धति शासन वाला राज्य, या डी राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र दोस्तों देखिए यहाँ पे गणतंत्र है, ठीक है। गणतंत्र का मतलब होता है वह राज्य जहाँ पे कोई भी अध्यक्ष जो भी होते हैं, जैसे कि पीएम की बात की है, तो पीएम का वंशानुगत रूप ना हो कि अगर एक पीएम बन गया तो उसके ही फैमिली से कोई और बनेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे वंशानुगत रूप से ना होना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था, तो जो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। देखिए कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए राइट इसका जो है सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है वे समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है, तो ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जो राइट आंसर बताना है इसका क्या हो सकता है दोस्तों। चलिए चलिए देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य जो होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, दोस्तों यहाँ देखिए भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, और डी भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ बताना है इसका आंसर जो क्या है वो क्या हो सकता है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की, ठीक है, इस किसमें नहीं है, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लोक कल्याण, ठीक है। देखिए ये MPPC 2004 में पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये सब रिटिवेटेड क्वेश्चन हैं और हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, देखिए कल्याणकारी जो राज्य है उसका उद्देश्य क्या होता है, ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है देख लीजिए आप लोग क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है, यही होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके कल्याण का प्रबंधन करना होता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए ए
राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, और डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर है ये, राज्य व्यवस्था। देखिए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, मेन चीज़ यहीं पे होता है। देखिए भारत को एक गणराज्य, गणराज्य का मतलब ही होता है जहाँ पे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है वंशानुगत। ठीक है, जो राज्याध्यक्ष होते हैं वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्रम बताना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सबसे पहले आपको सभी के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न। ठीक है, बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी, और यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और गणतंत्र। डी का ऑप्शन है जो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, यहाँ देखिए आप सभी को इसके बारे में पहले जानना होगा। ठीक, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं जो इसका राइट आंसर पहले ये जान लीजिए डी, क्योंकि पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न आता है। ठीक है, ये सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी, फिर गणतंत्र। ठीक है, ये क्रम वाइज इसी तरह आएंगे, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, बट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा, आप इस चीज़ को PDF में थोड़ा सा इस रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यह जहाँ तक बात की जा रही है धर्मनिरपेक्ष की, ठीक है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ए वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बी ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और ये मूल प्रस्तावना में था। तो आपको आंसर में देना, देखिए ए और दो दो सही हैं, बी का ए और तीन, सी का केवल 4 और डी का केवल 3। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है बी। ठीक है, पहला और तीसरा ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है। देखिए ए भारतीय गणराज्य की प्रसुप्त संता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी संविधान निर्माता भारत की जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, और डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। ठीक है, ये राइट बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए अगला देखिए, समाजवाद का अर्थ है ए सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, और डी सामाजिक स्पर्धा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर इसका आपका क्या होना चाहिए, तो है इसका राइट आंसर सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। क्वेश्चन से देखिए क्लियर हो जा रहा है कि समाजवाद यानी समाज के बारे में पूछा जा रहा था, इसका है सामाजिक न्याय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की बात की गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी एग्जाम्स हो उसमें जरूर ये पूछा जाता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए USA में, बी कनाडा, सी जर्मनी, और डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका कि कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों जान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची की बात जहाँ भी की जाए, समवर्ती सूची संविधान से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए SSC का क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रस्तावना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है,
हम भारत के लोक शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से और डी प्रजातंत्री भारत शब्दों से। ठीक है, तो हम भारत के लोग सार्वभौमिक संस्था से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हम भारत के लोग शब्दों से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, डी बोल्शेविक क्रांति 1917 और डी चीन की क्रांति 1912। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है संविधान की प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, जब नहीं झलकता है तो आपको इसका जो आंसर बताना है वो क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है, चलिए इसका बता दे रहे हैं, इसका जो है वो डी चीन की क्रांति जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की क्रांति पे इसका कोई प्रभाव नहीं झलकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो भारत मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है तो आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो भारत क्या है जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों बता दें भारत जो है ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत डैश है क्या है? क्वेश्चन देखिए आंसर इसके क्या होते हैं। ए संप्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, बी संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और डी संप्रपूर्ण जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो इसके 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है वो है देखिए ए, प्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह गुट निरपेक्ष को 1976 द्वारा प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे और यहाँ बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं और डी उक्त शब्द द्वारा संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए किस द्वारा जोड़े गए हैं, किसके अंग नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो प्रस्तावना के, अगले और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।